इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं बंगाल कृष्णनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा, लेकिन टीएमसी सरकार इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। लोगों को उम्मीद थी कि टीएमसी इसका सबसे ज्यादा समर्थन करेगी, लेकिन टीएमसी के लिए वोट बैंक की राजनीति सर्वोपरि है और अब तो इन लोगों ने हद ही कर दी है। ये लोगों के बीच सीए के बारे में दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। टीएमसी को किसी पीड़ित हिंदू को अधिकार मिलने से एलर्जी है, लेकिन टीएमसी को ये पता होना चाहिए कि वो सीए को लागू होने से रोक नहीं सकती। और मैं सीए के माध्यम से भारत की नागरिकता मांग रहे हर व्यक्ति को आज विश्वास दिलाता हूं, उन्हें उनका हक मिलकर रहेगा, उन्हें हर सरकारी योजना का लाभ मिलकर के रहेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, पश्चिम बंगाल का इतिहास देश को दिशा देने वाला रहा। यहां राजा कृष्णचंद्र जी ने उनका सुशासन, उनकी भारत भक्ति की विरासत है, जिन्होंने हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम किया, यहां के विकास के लिए अपना बहुत कुछ दान कर दिया। लेकिन टीएमसी वाले ऐसी विरासत को ही बदनाम करने में जुटे हैं। आज देखिए, देश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही जिसको आए दिन कोर्ट को याद दिलाना पड़ता है कि उसकी ड्यूटी क्या है। टीएमसी सरकार ऐसा कोई काम करती नहीं जो संविधान और कानून के मुताबिक हो, जो लोकतंत्र के मुताबिक हो। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण संदेश खाली है। संदेश खाली में क्या चल रहा है ये टीएमसी के टॉप लीडर्स को पहले से पता था, लेकिन संदेश खाली बहनों से ज्यादा वो अत्याचारी इनके काम का था। देखिए कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे सामान मिल रहे हैं। क्या ये गोला बारूद, ये बम बंदूक गणतंत्र को मजबूत करने के लिए था क्या? साथियों, कल मैं जब बंगाल तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने आए थे। उन्होंने मुझे वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना वन रैंक वन पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया। तो बंगाल कृष्णनगर में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश रायबरेली में राहुल गांधी नामांकन भरने के लिए निकलने वाले हैं। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।